हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी कंसीव करना अगर आप जल्द से जल्द चाहती हैं तो एक ऐसा पॉइंट जो आपको कभी भी भूलना नहीं चाहिए, प्रेगनेंसी कंसीव करते वक्त एक ऐसी परेशानी जो हर महिला फेस करती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट होने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है या फिर दिक्कतें आने लगती हैं, और वो एक मुख्य भाग होता है महिलाओं के शरीर के अंग का, जो कि प्रेग्नेंट होने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। मैं आज बात करने वाली हूँ आपके वजाइना की, आपके निचले अंगों की, आपकी योनि के बारे में। बहुत बार बहुत सारी महिलाएं तरह तरह के कमेंट्स भी करती हैं। जब हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं, साल दर साल समय बीतते चला जाता है या आपकी आयु बढ़ती चली जाती है, फिजिकल एक्टिविटी की वजह से, सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, वजाइना के स्किन लूज हो जाती है। कई बार ऐसा डिलीवरी के बाद भी महिलाओं के साथ होता है जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करना है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का बैलेंस अच्छे से बनना चाहिए। कई बार ऐसा नहीं हो पाता है, हार्मोन बिगड़ने की वजह से भी इसका असर आपकी स्किन की इलास्टिसिटी पे पड़ता है और आपकी स्किन जो है लूज हो जाती है नीचे की, जिसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, कई बार जितनी संख्याओं में जो डिपोजिशन सेल का होना चाहिए संबंध के बाद वो नहीं हो पाता है, वजाइना लूजनेस की वजह से वो भी बहुत अधिक मात्रा में बाहर चली जाती है और गर्भधारण फिर महिलाओं को दिक्कत होती है करने में। कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं को इन्फेक्शन रिपीटेशन पे हो जाते हैं। ईस्ट इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। ऐसी समस्याओं में भी कंसीव होना बिल्कुल नामुमकिन सा होता है, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन उस सेल को आपके बाहरी मुख्य द्वार पे ही ख़त्म कर देती हैं। आपके वजाइना का पीएच लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से आपके वजाइना में रूखापन हो जाता है। कई बार फ्रेंड्स, यहाँ की इलास्टिसिटी ख़राब हो जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इचिंग, बहुत ज़्यादा इरिटेशन, ऐसी परेशानियाँ होती ही रहती हैं। क्या आप भी ऐसा फेस कर रही हैं? सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली बात नोटिस कर लीजिए कि हमें अपना हाइजीन मेंटेन रखना है। अगर हम हाइजीनिक रहेंगे, अगर हम हेल्दी रहेंगे, अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तो ही शरीर जो स्वस्थ होता है उसी में गर्भधारण होती है। बिकॉज एक स्वस्थ बच्चे का निर्माण करने में शरीर भी स्वस्थ पहले से ही होना चाहिए। इसके लिए आपके वजाइना को हाइजीन रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ महिलाओं को डिस्चार्ज की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है हार्मोनल इश्यूज के कारण, जिसकी वजह से बार बार इन्फेक्शन उनको होता है। अब ऐसी कंडीशन में अगर गर्भधारण ले दे के हो भी जाए तो मिसकैरेज की संभावना अधिक हो जाती है, क्योंकि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है वो आपकी बच्चेदानी तक भी पहुंच सकता है और अर्लियर मिसकैरेज की भी संभावना को बढ़ा देता है। इन द होल आपको एक बेस्ट सोल्यूशन की ज़रूरत होती है अपने इंटीमेट पार्ट की, जिसका ख्याल रखते हुए प्रेगनेंसी के चांसेस को बढ़ाया जा सकता है, कंसीव करना और भी ज़्यादा आसान हो सकता है। इसीलिए फ्रेंड्स, आप अपने हाइजीन पे यानी साफ सफाई पे अधिक ध्यान दें। बार बार इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है या फिर टाइटनेस कम हो गई है तो उसको मेंटेन रखने के लिए आप चाहें तो कुछ काम जरूर करिए और आज से ही करना स्टार्ट करिए। इसीलिए आज मैं आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट सोल्यूशन लेकर के आई हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एवरटीन का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट, जो वजाइना की टाइटनिंग में और वजाइना के हाइजीन में आपके बहुत अच्छे से मेंटेन करने में मदद कर सकती है। सो फ्रेंड्स, ये है एवरटीन का योनि लाइफ रिवाइटलाइजेशन इंटीमेट जेल, जो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। इसे यूज़ करना बहुत ज़्यादा इजी होता है, ना ही इससे कोई इरिटेशन होता है, ना ही इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं दोस्तों, क्योंकि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना होता है। ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। चलिए आइए जानते हैं कि ये आपकी किस तरह से मदद करने वाला है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एवरटीन का योनि लाइफ रिवाइटलाइजेशन इंटीमेट जेल 30 ग्राम के पैक में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पैक
पैकेजिंग में मुझे अवेलेबल हो चुका है और ये मैं पर्सनली भी यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड भी कर रही हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि एवरटीन यूनिलाइफ जो है वो 100% नेचुरल इन्ग्रीडियंट से बनाया जाता है, जिसकी वजह से आपके स्किन के मोस्ट ऑफ द सेंसिटिव पार्ट में जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो किसी भी प्रकार के आपको इरिटेशन का एहसास ही नहीं होगा, इवन आपको काफ़ी बेटर फील होने लगेगा। ये आपकी जो है रीस्टोरिंग इलास्टिसिटी कैपेसिटी को बढ़ाता है आफ्टर प्रेगनेंसी भी, और अगर प्रेगनेंसी नहीं रुकी है और फिर इलास्टिसिटी आपको लगता है कि लूज हो गई है तो उसको भी ये रीस्टोर काफ़ी अच्छे से कर देगा। इंटीमेट वेलनेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, साथ ही साथ जो आपकी प्रिवेंटिंग है, आपकी जो स्किन है उसके प्रिवेंशन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये आपको प्रिवेंट करेगा ड्राइनेस से, इचिंग से और साथ ही साथ इन इरिटेशन से। सो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ द केसेस महिलाओं में यही सारी प्रॉब्लम देखी जाती है। और जो तीसरी इसकी बेनिफिट है वो ये है कि ये मेंटेन करता है ओवरऑल आपके इंटीमेट हेल्थ को, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है महिलाओं के लिए जो कि वर्किंग वूमेन है या फिर आप घर पर काम करते हुए अपने आप की केयर नहीं कर पाती हैं, और जब बात करें सेंसिटिव पार्ट्स की तो आप ऐसी बातें किसी से शेयर भी नहीं कर पाती हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस या तो मम्मी को या तो सिस्टर्स को ही बता पाती हैं, और मुझे काफ़ी सारी कॉमनली फीमेल्स जो हैं वो बताती हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ इसे शेयर किया जाए। और ये बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है, आप इसको दिन में 2 बार अप्लाई कर सकती हैं। अप्लाई करने के पहले आप अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लीजिए, अपने नेल्स को काट लीजिए, क्योंकि आपके नेल्स से आपकी त्वचा में जो है वो दिक्कत आ सकती है, चोट लग सकती है। उसके बाद कुछ ड्रॉप्स आपको ये इंटीमेट जेल का लेना है, आपको इनर और आउटर लेयर पे अप्लाई करना है स्किन के बहुत ही अच्छे से स्मूथली। आप जैसे क्लॉकवाइज अपने हाथों को घुमाते हुए इस जेल को अच्छे से अप्लाई कर लीजिए, ये काफ़ी स्मूथली जो है एब्जॉर्ब हो जाएगी स्किन में और इसके रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलने भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो इन द होल ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसे परचेस कर सकते हैं। इसके लिए आप वेबसाइट पे जा सकते हैं पर्सनल एवरटीन के जो हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी लिंक है ऑनलाइन परचेस, उस पे जा करके इसकी और भी ज़्यादा डिटेल्स इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, परचेस भी वहां से आप डायरेक्टली कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई रियली होप कि ये छोटी सी वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव थी। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जानकारी और भी आपको देना चाहूँगी कि यदि आपकी कोई मेडिकेशन स्टार्ट है, यदि आप किसी डॉक्टर के गाइडेंस के अकॉर्डिंग कोई ट्रीटमेंट करवा रही हैं, या फिर आपका एडवांस ट्रीटमेंट IUI हो रहा है, अदरवाइज कोई मेडिसिन आप ले रही हैं किसी डिजीज से रिलेटेड, तो आप एक बार अपने पर्सनल डॉक्टर से भी ज़रूर कंसल्ट करके इसको आप लेना, अप्लाई करना स्टार्ट कर सकती हैं। इन द होल मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छी है, मुझे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है, जिसको भी मैंने सजेस्ट किया है उनके भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी ये बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है, ज़रूर इसे ले, परचेस करें और आप यूज़ करना भी स्टार्ट करें। और इसी के साथ साथ प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई सभी समस्याओं के संबंधित वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपके कोई भी प्रश्न हैं तो मुझे मेल कर सकती हैं, आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकती हैं। तो इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, फिर से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन से भरी हुई टॉपिक के साथ। तो अपना पूरा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।